प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ के मुंगेली में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि छत्तीसगढ़ से कांग्रेस के जाने का काउंटडाउन शुरू हो गया है। 3 दिसंबर को बीजेपी की सरकार बन रही है। पीएम ने आगे कहा कि जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनी थी तब के मुख्यमंत्री पद के लिए 2.5 साल का एग्रीमेंट हुआ था, लेकिन पहले 2.5 साल में ही मुख्यमंत्री जी ने इतना लूटा, इतना भ्रष्टाचार किया कि लूट के पैसों का अंबार जमा कर लिया। पीएम ने आगे कहा कि जब 2.5 साल पूरा होने को आए तो तिजोरी दिल्ली वालों के लिए खोल दी। इन्होंने दिल्ली के हर नेता को खरीद लिया और एग्रीमेंट धरा का धरा रह गया। हर तरफ एक ही गूंज है, 3 दिसंबर को भाजपा आवत है, भाजपा भाजपा भाजपा। और साथियों, भाजपा के आने का मतलब है छत्तीसगढ़ का तेज विकास, भाजपा के आने का मतलब है नौजवानों के सपने पूरे होंगे, भाजपा के आने का मतलब है यहाँ की महतारी बहनों का जीवन और आसान होगी, भाजपा के आने का मतलब है भ्रष्टाचार पर लगाम, भ्रष्टाचारियों पर सख्त कार्यवाही।